नमस्कार, मैं हूं अमृता निमिषन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू हैं। और बता दें कि भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक भी होने जा रही है। प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष की बैठक होगी, वोटर चेतना अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक हो रही है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बैठक में प्रमुख तौर पर शामिल हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और इसी के तहत आज बीजेपी की बैठक शुरू है, जहां प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं, वोटर चेतना अभियान समीक्षा कर रहे हैं इस बैठक की। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख कर लेते हैं संवाददाता विभांशु की। और विभांशु, पिछले काफी दिनों से लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा सीटें हैं विधान लोकसभा की, और सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से जाती है ऐसा कहा जाता है। अमित शाह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती है और मिशन 80 के तहत लगातार अपने कार्यक्रम अभियान के माध्यम से आम जनता के बीच जा रही है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक भी कर रही है। आज अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है, जिसमें यूपी के बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिलाध्यक्षों की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें वोटर चेतना जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए का रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो जिन 14 सीटों पर बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उस पर खासा फोकस करते हुए कैसे उन सीटों को अपने पाले में करें, इसके लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तमाम विपक्षी दल है, चाहे बात की जाए प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, तो वो जाति जनगणना और पीडीएफ फार्मूले के तहत सत्ता में आने की वापसी कर रही है और बेहतर परिणाम के तमाम दावे वादे कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको देखते हुए फुल्ली एक्टिव मोड में, यानी कि पूरी तरह से सक्रिय होकर और मिशन 80 के तहत 80 सीटें अपने पाले में करने का हर एक प्रयास कर रही है। अब देखना होगा इस बैठक के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट का क्या बयान आता है कि किस तरह की रणनीति तैयार की गई है और कैसे लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को सफल बनाने तमाम मुद्दों को लेकर। अभी अगर बात की जाए तो 1 बजे तक ये बैठक समाप्त होगी, उसके बाद सब साफ होगा कि बैठक में क्या चर्चा की गई है और क्या जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल के दिनों में अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के जो तमाम अंदर में तमाम जो कार्यक्रम होने हैं, तमाम अभियान होने हैं, उसको लेकर बिल्कुल विभाषी जो तमाम कार्यक्रम है अभियान है उसे लेकर काफी ज्यादा सक्रिय था और गंभीर नजर आ रही बीजेपी। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो 365 दिन जो है चुनावी मोड में रहती है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव जब सामने हो तो बात है जरूरी है कि जब टीम जो है लगातार आगे बढ़कर काम कर रही है पार्टी, और अब देखने वाली बात होगी किस तरह से बीजेपी इस बार रणनीति के तहत आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी करती है और जो नतीजे हैं किस तरह से बीजेपी के पक्ष में बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है और इस बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी।